मैं तो परफेक्ट हूँ। लेकिन मुझे अपना दिमाग ज्यादा चलाने वाले बददिमाग लोगों से बहुत चिढ़ है। गिरधर जी सर, किससे पूछ के हमेशा वाली चाय पत्ती बदली गई? इन लोगों को लगा कि ये वाली नई है तो अच्छी होगी, इसलिए। तो ठीक है गीता, अगर आज माँ को चाय पसंद नहीं आई तो कल तुम सब की जगह नया स्टाफ होगा। जी अच्छा होगा। साढ़े आठ बज गए। तेरी ये हर रोज सुबह वाली चाय से मैं अपनी घड़ी मिला सकती हूँ नित्यम। वाह, आज बिट्टू की जगह सीधा नित्यम। हाँ, क्योंकि आज पूरी दुनिया बिट्टू नहीं नित्यम की तारीफ कर रहा है। ये देखो अखबार के फ्रंट पेज पर नित्यम दालमिया उज्जैन के सबसे बड़े युवा बिजनेसमैन। देखो फ्रंट पेज पर आया है। आप नित्यम में बाकी दुनिया के लिए, लेकिन आपके लिए सिर्फ आपका बिट्टू, जिसकी माँ आज भी उसके कान खींचती है। ये क्या है? आप ये बिस्किट खाइए, ये मैंने खास आपके लिए हैदराबाद से मंगवाए हैं। नहीं बिट्टू, भोलेनाथ ने इतना अच्छा दिन दिखाया आज बिट्टू, उनके दर्शन करके ही कुछ खाऊंगी। आपको मंदिर जाना है? ठीक है, आप तैयार हो जाइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो बिट्टू, तेरी इतनी बड़ी गाड़ी और वहाँ मंदिर के भरे रास्ते में वो छोटी छोटी गलियों में बहुत मुश्किल होता है। मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। माँ, आपने अपनी आधी जिंदगी धूप में, बीमारी में, गर्मी में हम सबके लिए ऑटो में सफर करके ही तो गुजारती है। अब मेरी माँ के लिए एसी वाली गाड़ी और उनका ये ड्राइवर हाजिर है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके ड्राइवर इतने बड़े बिजनेसमैन होते हैं, है ना? चाय पत्ती बदलने पर स्टाफ को बदलने की धमकी किसने दी? मैंने क्यों ऐसा करती हो तुम? मैं तो परफेक्ट हूँ, और आपके इस न्यूज़पेपर की वजह से ना आपको चाय के स्वाद का पता नहीं चला। एंड मिसेस वेदिका दालमिया, यस, आप ये अपना स्टाफ वाला चैट ग्रुप छोड़िए और चलिए। वो क्या है ना कि शायद हमें देर हो रही है। चलो सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आज आपने इतनी सारी खुशियां दी है उसके लिए थैंक यू। आज सोनम दीदी का नाम MBA टॉपर्स की लिस्ट में आया है, और ये सिर्फ आपकी कृपा, छत्री प्रसाद की मेहनत और दीदी की कड़ी लगन की वजह से हुआ है। बस अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर ऐसे ही बनाए रख। कब तक पुरानी बातों को लेकर नाराज बैठोगे? चलो ना, अगर उन्होंने हमसे कुछ छीना है तो इतना कुछ दिया भी तो। कोई नाराजगी नहीं है माँ, बस थोड़ी सी निराशा है। और क्या है ना, आपको अपने भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए इतनी दूर आना पड़ता है, लेकिन मेरा भगवान और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, जो मेरे लिए सबसे ऊपर है। नित्यम जी, सर, देश का सबसे यंग बिजनेसमैन का अवार्ड पाकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है हमेशा। नित्यम जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमारे जवाब दीजिए। अरे अरे अरे, टाइम पर ब्रेक लगा दी आंटी।
मैंने भोलेनाथ से तेरी सिफारिश कर दी है छत्री प्रसाद। कह दिया है कि सोनम दीदी के टॉप करने में जितनी मेहनत उनकी है उतनी तेरी भी है, वरना ये घर का खर्च, कॉलेज की फीस, बुक्स का खर्चा कैसे हो पाता? थोड़ा क्रेडिट तो तेरा भी बनता है ना। नित्यम सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपनी सफलता का क्रेडिट मैं किसी और को क्यों दूंगा? सक्सेस के रास्ते पे अकेले चलना पड़ता है, किसी का हाथ पकड़ के नहीं। पापा, आप भले ही हमें अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन आपने हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर रखा। और देखो, आज दीदी ने बाजी मार ली। अगर आप आज यहाँ होते ना, तो आपके चेहरे पर डीजल की लाइन से भी लंबी वाली स्माइल होती। इसीलिए आज ना आपकी वाली पार्टी होगी। वैसे भी जिंदगी इन छोटी छोटी खुशियों से ही तो बनती है। जिंदगी पैसों से चलती है, और मेरे लिए मेरा नाम, रुतबा, पैसा जिंदगी में सबसे जरूरी है। पैसे तो हाथ का मैल होते हैं छत्री प्रसाद, सबसे जरूरी होते हैं रिश्ते और प्यार। इसीलिए आज ना अपन खुल के खर्चा करेंगे। आपकी कृपा से नित्यम ने इतना बड़ा नाम कमाया, आज सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आज भी वो खुश नहीं। कहीं ना कहीं उसमें आज भी वो 7 साल का बच्चा सैमा सा है, जिसने वो सब कुछ देखा, जिसने उसे रातों रात बड़ा कर दिया। No more questions, please. सर, आपके बारे में एक बहुत ही मजेदार बात पता चली है कि आपके घर, आपके ऑफिस और आपके फैक्ट्री में कहीं भी पंखे नहीं है। देव जी, आज मैं आपसे अपनी नित्यम की खुशियां मांगने आई हूँ। उसकी जिंदगी में एक ऐसा जीवन साथी भेज दीजिए जो उसे समझे, जो उसी की तरह समझदार हो, जो उसी की तरह ईमानदार हो, जो मेरे काबिल लड़के को खुलकर हंसना सिखा दे। जय महाकाल। जिस दिन जल्दी उसी दिन देर होती है। अरे भैया, ये आगे इतना जमावड़ा क्यों लगा है? दर्शन की लाइन तो उस तरफ है ना, कोई मैटर हो गया है क्या? उज्जैन का सबसे बड़ा बिजनेसमैन खुद पधारा है, और ये सब छत्रे उसी का दर्शन कर रहे हैं। ये अमीर लोगों के दिमाग की वायरिंग ही खराब होती है ना, ये कोई जगह है पंगत बिठाने की? बताओ। रुकिए, आज सावन पूर्णिमा है, राम घाट पर खास और भव्य आरती है। आप अगर वहां प्रार्थना करेंगी तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जी, सरप्राइज, मैं हूँ आप सभी की अनन्या। और मैं हूँ सोनम। अनन्या की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ अनन्या की सुपर स्मार्ट, सुपर इंटेलिजेंट और सुपरस्टार कजिन, और पूरे एमपी में एमबीए की सुपर टॉपर। सोनम दी, आपकी सुपर सक्सेस की स्टोरी मेरी सोशल फैमिली को भी बताओ। सिर्फ एक ही सीक्रेट है, सपनों का साइज। मतलब ओके, जैसे कि मैं और सावी, हम दोनों है तो सगी बहनें, पर हम दोनों के सपनों का साइज बहुत ज्यादा अलग है। जैसे सावी अपनी 2x2 की ऑटो में बहुत ज्यादा खुश है, और मुझे चाहिए आलीशान सा घर, बड़ी सी गाड़ी। सावी को अपनी उस पुरानी सी उस खाकी वर्दी से इतना ज्यादा प्यार है, और मुझे चाहिए डिजाइनर कपड़े, जूते, बैग्स। यही फर्क है टॉपर्स में और एवरेज लोगों में। सावी हर एरे गहरे नत्थू खेरे की फिकर करती है। अरुण काका, कैसे हो? अरे काका, अपनी बेटी का मेरे वाले कॉलेज में एडमिशन करा दो ना, काम के साथ साथ ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। बोलो तो कल फॉर्म लेके आऊं? हाँ। ठीक है, पर मेरे लिए सिर्फ टॉप क्लास। मैं तो कहती हूँ अनन्या कि तू भी बड़े सपने देख, पक्का पूरे होंगे। ओके दी, बाय द वे गाइस, सपनों से याद आया, एक सेकंड। अरे, जैसे सोनम दी का ना न्यूज़पेपर में फोटो छपने का सपना, ये देखो गाइस। अब
पेपर के पीछे वाले पेज पे ना भुट्टो की किस मिलती है यार, मुझे तो फ्रंट पेज पे आना है बिल्कुल इनकी तरह, यही मेरा सपना है। अरे आज स्टेशन की लाइन में दिखे नहीं, सब ठीक? हाँ हाँ ठीक। बढ़िया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम महादेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतना सब कुछ सामी, लड़के वाले देखने आ रहे क्या? अरे काका नहीं नहीं नहीं, जब मेरी शादी होगी ना तो छत्री प्रसाद पर लाउड स्पीकर पोस्टर लगा कर अनाउंसमेंट करूंगी। अच्छा इसका कितना हुआ? 256 रुपए। अरे बेटा सोनम की तस्वीर देखी थी मैंने न्यूज़पेपर में, मेरी तरफ से बधाई देना उसको। हाँ हाँ बिल्कुल दूंगी। आज 75 रुपए कम पड़ गए हैं, वो बोनी नहीं कर पाई ना, लेकिन आज नाइट ड्यूटी करके कल सुबह आपको लौटा दूंगी, छत्री प्रसाद की कसम। अरे सावी मालूम है मुझे, एक बार मैं लिखना भूल जाऊंगा लेकिन तू उधार का भार कभी नहीं भूलेगी। काका वैसे थोड़े से पैसे हैं लेकिन सोनम दीदी के लिए तोहफा भी तो लेना, अब अगर आज पार्टी है और तोहफे के बिना जाऊंगी तो मजा थोड़ी आएगा, है ना? चल छत्री प्रसाद रात को मिलते हैं। सावी की सवारी आ गई क्या? फुल स्पीड में मामा जी। अरे बामा जी आपकी गाड़ी इतनी स्लो क्यों चल रही है, सुबह से ऐसे ही बैठे हो क्या? अरे कहाँ, दिन भर इतना भागा कि टांगे दर्द करने लगी, इसलिए फिर बैठ गया। मामा जी आपके जोक्स भी ना आपकी तरह पुराने होते जा रहे हैं। अच्छा मैंने वो जो काम दिए थे वो हुए नहीं? दिवाली की लाइटें और सोफे पे नए कवर। गैस छत्री प्रसाद में डलती है लेकिन रुकती ये लड़की नहीं। अरे थकती है कि नहीं बिट्टोरी? बिल्कुल भी नहीं मामा जी। और आपका ये भैया आवाज क्यों कर रहा है? इसमें कल तेल डाल दूंगी, ठीक है? पंखा बंद है मामा जी, आप जानते हो ना अगर पंखा बंद होता है तो मेरी गाड़ी चौथे से पहले गियर में आ जाती है। कहाँ है सब लोग? माँ, मामी, माँ। अरे सावी तू ना मेरा यकीन नहीं मानेगी। मामी अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा सुनना अपने माँ को समझाना, मुझसे कब से बहस कर रही है, कह रही प्रोग्राम घर के बाहर नहीं घर के अंदर रखेंगे, बता। अच्छा मैं बात करती हूँ। माँ माँ, अरे मेरी प्यारी माँ कितना काम करोगी। चकले मीठा कम है माँ और काजू बादाम भी कम है। अरे इतना आज ना आपकी कंजूसी नहीं चलेगी और सोनम दीदी की डाइटिंग भी नहीं। वैसे कहाँ है अपनी पार्टी की चीफ गेस्ट? सोनम दीदी, सोनम दीदी, सोनम दीदी, सोनम दीदी। अरे हमेशा फोन में ही लगी रहती है, कहाँ है सोनम दीदी? पहले आप हाय बोलो। हाय सोनम दी छत पर है। अच्छा। बाय बाय तो करो। बाय सोनम दीदी। अरे मैं यहाँ हूँ। अरे सोनम दीदी ये रही अपनी गोयल परिवार की रॉकस्टार, बहुत सुंदर लग रही हो दीदी। अरे सावी ये बैग में क्या है? मामी रुकी रुकी, दीदी के लिए तोहफा है, सरप्राइज। मेरे लिए? हाँ देखो दीदी। ब्लेजर और वो भी मेरे फेवरेट कलर में, थैंक यू सो मच। कितना सही है दी, मेरे को भी दो ना, मुझे भी ट्राई करना है। नन्या नहीं ये दीदी का है। और तू यहाँ क्या कर रही है? जा 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 लाइट लगाने में हेल्प कर। ट्राई करूँ दीदी? हाँ वाह दीदी क्या शाइनिंग मार रहे हो। अब जब बड़े बड़े इंटरव्यूज देने जाओगे ना तो इसे ही पहन कर जाना। हाँ। अरे वाह कोट पहन के सोनम एकदम अलग ही लग रही है ना, नजर न लगे मेरी सोनम को। मामी हाँ कोट नहीं
ब्लेजर बिल्जर सोना कितनी प्यारी लग रही हो बेटा। रत्ना इधर आ। ये देख। मम्मी क्या हुआ? रत्ना शांत हो जा। रत्ना अरे जल्दी लेकर आ, जल्दी ला। ले ले ले। क्या हो रहा है सावी? अरे 3,000 रुपया, इतना पैसा क्यों खर्चा किया? अरे माँ तोहफा है, तोहफे का मोल थोड़ी बताते हैं। वाह सावी वाह, खुद प्राइस टैग लगा कर छोड़ देती है और फिर कहती है कि किसका प्राइस नहीं बताना चाहिए। वेरी गुड। हाँ दीदी, वो तो मैंने इसलिए नहीं निकाला ताकि अगर एक्सचेंज करना हो और आपको कलर पसंद ना आए तो आप उसे बदल सको, लेकिन देखो फिटिंग कितनी अच्छी है और कलर भी अच्छा लग रहा है, तो ये लो, ये निकाल दिया। अरे हमारे पास पूरा दिन थोड़ी बचा है। दीदी आप जाके तैयार हो जाओ। माँ माँ आप जाके खीर। तू नहीं सुधरेगी। अच्छा जाओ माँ, देखो मीठा देखो। मामी वो लाइटों का कर दो ना। नन्या नहीं, चलो जाओ मामी के हेल्प कर दो वरना मेरे और छत्री प्रसाद की नाइट ड्यूटी का टाइम हो जाएगा। आज ना जलसा जोर से जमेगा। क्या सावी, आज भी राम मिष्ठान के समोसे? अगर मेरे पिंपल्स आए ना तो तू देख लेना। दीदी लगता है आप भूल गई हो अपने पूरे उज्जैन की दो ही शान, एक महाकाल और दूसरा राम मिष्ठान। गाइस गाइस सुनो, यहाँ देखो मुझे ना नन्या की दुनिया के लिए वीडियो बनानी है, तो सब अपना बेस्ट पोज दो। कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी आओ। आ जा आ जा आ जा। हाय पाउट पाउट। अच्छा पाउट मुझे बराबर करनी है। मामा जी हाँ नहीं सावी दी, कितनी बोरिंग वीडियो बन रही है, कुछ मिसिंग मिसिंग लग रहा है। अरे अपनी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर मिसिंग है, छत्री प्रसाद। ये है छत्री प्रसाद यानी ऑटो नंबर वन, सावी दी और पूरा उज्जैन के दिल की धड़कन, और आज हमारी पार्टी का डीजे भी। रेडी हो जाओ क्राउड क्योंकि म्यूजिक बजेगा लाउड, जितनी भी देखो गालियां जोर से बजेंगी तालियां। पापा अरे बाप रे, ये मामा जी पापा आराम से। क्या बात है मामा जी, आज आपकी ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक ज्यादा हो गई थी क्या? आज तो बनता है ना विक्टोरी लिटिल लिटिल, तूने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, आज बरसों बाद हम सब कितने खुश हैं। पिछले 4 साल में तूने और तेरे छत्री प्रसाद ने इस पूरे घर को पाल, अनन्या और सोनम की पढ़ाई का पूरा भार संभाला, कहा मैं जिज्जी और तुम दो बेटियों को सहारा देने ले आया, उदी लाचार। चुप कर ब्रिजेश, कसम है तुम्हें ऐसे कुछ कहा तो। सावी के पापा जाने के बाद तुमने और रत्ना ने अपनों की तरह प्यार दिया है हमें,
और आज ऐसे सब कह के पराया कर रहे हो? नहीं नहीं जीजी, आप तीनों तो हमारे अपने हैं। इनके एक्सीडेंट के बाद अगर सावी ने हमें नहीं संभाला होता तो हमारा क्या होता? रत्ना, सावी है तो सोनम से छोटी, सच कहता हूं इसके बिना इस घर की कत नहीं है। अरे आप लोग अब आंसू पर ब्रेक लगाओ और पार्टी शुरू करो। अनन्या शुरू कर। क्या शुरू कर, अपनी तो आप एक भी वीडियो बनाने नहीं देते हो। पूरे उज्जैन में इकलौती ऑटो रिक्शा फीमेल ड्राइवर हो और हमारे लिए तो बिग इंस्पिरेशन हो। दी आपके वीडियोस में ना लाखों व्यूज आएंगे, है ना पापा? क्यों नहीं आएंगे, जिसके नाम का मतलब सूरज की किरण हो वो तो जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ उजाला फैलाएगी। हारी सावी, हारी सावी, हारी सावी। बंद करो अपना सावी पुरान यार। सावी पुरान यार। जब देखो तब सावी सावी सावी। जैसे उसके अलावा तो और कोई है ही नहीं ना इस घर में। अनन्या तू इधर आ, इधर आ। तेरी सावी भी फेवरेट है ना, तू हमेशा उनकी वीडियोस बनाती है, तो तूने मेरी वीडियोस क्यों रखी हुई अपने फोन में? डिलीट कर। अरे अब मैं भी देखती हूँ कि अब एक MBA टॉपर की वीडियोस पर ज्यादा व्यूज मिलते हैं या एक ऑटो रिक्शा वाली के वीडियो पर। बस कर सोना, बहुत हो गया। बस माँ, अब मेरा भी बहुत हो गया। रात दिन पढ़ाई मैंने की, एग्जाम मैंने क्लियर किए, MBA टॉपर मैं बनी क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं ये सब डिजर्व करती हूँ। इसकी तरह नहीं जो सिर्फ ऑटो चलाना जानती हो। और क्या तूने मेरी फीस दी है ना, बहुत बड़ा एहसान किया है तूने। तो रुक सोनम। मम्मी ये देख, तेरा एक एक एहसान लिखा है मैंने। कॉलेज की फीस, ट्यूशन की फीस, एजुकेशन लोन भी। और तू एक बात याद रखना सावी, कि जिस दिन मेरी नौकरी लग गई ना, यूं चुपकियों में तेरे सारे पैसे तुझे वापस लौटा दूंगी मैं, तेरे वो ब्लेजर के 3,000 भी। और आप सब लोग भी सुन लो, जिस दिन मेरी नौकरी लग गई ना, इस घर के हालात बदल जाएंगे, हम सब बड़ी इज्जत से जिएंगे, हमें वो हाई स्टेटस मिलेगा और तब आप सब लोगों को समझ आएगा वो ब्लेजर पहनने के काबिल सिर्फ मैं हूँ और सावी सिर्फ उस खाकी वर्दी वाले कोट में। सोनम, अपने आप पर गर्व करने में और घमंड करने में कितना फर्क है पता है? कोई कुछ बोल नहीं रहा तो रुकी नहीं। मामा जी आप बस कीजिए, मैं जानती हूँ कि सावी आप सबकी लाडली और स्पेशली आपकी तो कुछ ज्यादा ही लाडली है, इसलिए आप तो इसी की साइड लोगे ना। मैं तो क्यों नहीं लूंगा, वो घर की बाहर की हर किसी की जिम्मेदारी बिना किसी शिकायत किए अकेली संभालती है। मौनी राक्षस, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आपके ऑनर में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, सिर्फ 5 मिनट ही देने हैं आपको। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर चीफ गेस्ट मिस्टर नित्यम दालमिया, द यंगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री। मिस्टर दालमिया के बिजी शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो चंद शब्द हम सबसे कहें।
मौनी भैया नमस्ते। क्या हुआ मौनी भैया, आप गुस्से में हो क्या? भैया कह रहे हैं इनसे 25,000 डकार के तू पार्टी कर रही है, हम भी पार्टी करेंगे। नहीं 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 रुकिए, अंदर मत जाइए, मेरे परिवार वालों को पता नहीं है कि मैंने आप जैसे लोगों से पैसे। अच्छा, हम जैसे लोग मतलब? मतलब ये कि मैंने दीदी की पढ़ाई के लिए पैसे लिए ना, और वैसे भी मैं आप लोगों को ब्याज तो दे रही हूँ, और पूरे पैसे लौटाने में 7 दिन बाकी है ना, मैं दे दूंगी। और देखिए पार्टी तो वैसे भी खत्म हो गई है, तो अंदर जाके क्या करोगे? ये कह रहे हैं अगर 7 दिन में तूने पूरे पैसे वापस नहीं किए ना, तेरा ये चमकीला छतरी प्रसाद है इसके 20x20 करके भंगार में बेच देंगे। हाथ तो लगा के दिखाओ मेरे छतरी प्रसाद को। काले साए की तरह मेरे पीछे पड़ जाता, उसे खुद में समेट लेता और मैं उसके अंधेरे में खो जाता हूँ। दम घुटता है, कब ले पाऊंगा मैं चैन की सांस, कब दिखेगी उस अंधेरे में मुझे।